स्वागतम। आज 8 जुलाई शनिवार का पवित्र दिन, गंगोत्री और गौमुख का दर्शन करके मैं अब उत्तरकाशी पैदल यात्रा कांवड़ियों के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं गौमुख से गंगा जल लाया हूँ और उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ में वो जल चढ़ा के मेरी कांवड़ यात्रा पूरी करूँगा। बहुत सारे कांवड़िए देखो, अभी सावन मास चल रहा है, यहाँ पहला सावन मास अधिक, तो कांवड़िया गंगोत्री गौमुख से जल लेके कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई अपने अपने गांव में, कोई उत्तरकाशी शिवालय में वो जल चढ़ाते हैं और अपनी यात्रा संपूर्ण करते हैं। ये कांवड़ियों की गाड़ियाँ भी है, पैदल चलते हैं कांवड़िया गंगा जल लेके। ये देखिए हमारे साथ कांवड़िया, ऐसे ही वो भगवा कपड़ा पहन के व्रत लेके चलते हैं, मैं भी उनके साथ चलूँगा। ये सभी कांवड़िए हैं, देखिए। बोलते इसको, तो मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं गौमुख से उत्तरकाशी पैदल जाऊंगा, 18 किलोमीटर वो और 100 किलोमीटर यहाँ गंगोत्री से उत्तरकाशी, कुल 118 किलोमीटर की मेरी पैदल यात्रा। गौमुख से मैं गंगोत्री आ गया हूँ और यहाँ से मैं अब उत्तरकाशी के लिए तैयार हूँ जाने के लिए। ये गंगोत्री का गेट है, अब मैं यहाँ से आगे पैदल जाऊँगा, रास्ते में तीर्थ यात्रा दर्शन करते करते, भोले की खोज के साथ, आनंद करते करते कांवड़ियों के साथ उत्तरकाशी जाके गंगा जल चढ़ा के मेरी यात्रा पूर्ण करूँगा। जय भोले। ये लोग चारों धाम जाके पैदल फिर अपने गांव खड़ी कावड़ डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद जल तक जाएंगे पैदल। सामान के लिए ये गाड़ी साथ में रखते हैं, पूरी गाड़ी सजाई हुई है, देखिए पूरी पेंट करी है शिव जी के नाम से चित्रों से। ये देखिए कावड़ ये है सभी। कावड़ियों के साथ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये सब कांवड़िया है, पैदल जा रहे हैं चारों धाम करके। उत्तरकाशी से मैं भैरव घाटी से आगे ब्रिज कोर्स क्रॉस करके गरतांग गली देख के लंका क्रॉस करके दत्तात्रेय आश्रम जूना अखाड़े का वहाँ भोजन पाके अब मैं आगे हर्षिल की ओर बढ़ रहा हूँ। बीच में ये शेषनाग के आकार का विशाल पत्थर शिला देखने को मिल रही है, ये देखिए जैसे नाग फैन बनाकर बैठा हो ऐसा दृश्य है। हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है। नीचे लंबी खाई है, वहाँ गंगा जी बहती है। पैदल यात्रा मेरी चालू है। मैं उत्तरकाशी से आगे 13 किलोमीटर निकल चुका हूँ। कोपांग जो कि ITBP इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस का जो मुख्यालय है, जो छावनी है, वहाँ से थोड़ा आगे मैं आया हूँ और गंगा जी अब यहाँ मुझे दिखी है, क्योंकि आगे से वो पूरा घाटियों में खीणों में निकलती है तो दूर दूर से दर्शन होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल पास में है। कोपांग से थोड़ा आगे मैं निकल गया हूँ, ये भी घाटी में ही बह रही है खीण में, पर फिर भी यहाँ दर्शन हो रहा है। बारिश अब रुक चुकी है, थोड़ी थोड़ी हल्की धूप भी खिली है और मैं धीरे 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 हर्षिल की ओर प्रयाण कर रहा हूँ।
जी एकदम सुंदर दिखती है दो भागों में, और सामने एक छोटा गांव दिख रहा है पहाड़ी में बसा हुआ, बहुत डेंजरस जोन में है गांव। देखिए पूरी ढलान है, सड़क का जो रास्ता है वो भी बहुत डेंजर लग रहा है। यहाँ से ऐसा गांव बसा है और नीचे पूरी खाई है, गंगा जी है। देखिए वेव फॉल्स बना है यहाँ, यहाँ से गंगा जी पूरा दिखता है पहाड़ी, ये दो पहाड़ियों के बीच में हरी भरी पहाड़ियाँ। बारिश धीरे धीरे आ रही है, देखिए इतना सुहाना जगह है। पैदल यात्रा करते 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 मैं धराली पहुंच गया हूँ, लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है उत्तरकाशी से। थोड़ी थोड़ी बारिश थी फिर भी मैं इतना अंतर का काट के यहाँ आ गया हूँ। ये गंगा जी चंदेरी देवी मंदिर पच्चीयारी बोलते गांव, धराली यहाँ से थोड़ा ही अब दूर है। तो ये पच्चीयारी चंदेरी देवी में पहुँचा, विशाल पट है यहाँ गंगा जी का। देखिए यहाँ सुंदर दर्शन गंगा जी का है। मंदिर के पटांगण में मैं खड़ा हूँ, छोटे छोटे गांव अब दिखने लगे हैं। 17-18 किलोमीटर तक तो कोई गांव भी नहीं रास्ते में दिखा, ना टावर आ रहा था मोबाइल का, बिल्कुल जंगल जैसा रास्ता। और वो काट के अब मैं हरे भरे गांव वाले एरिया में आ गया हूँ। धराली गांव का पूरा दृश्य मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये धराली का ब्रिज है जो मुखबा गांव को जोड़ता है। यहाँ नीचे कल्प केदार मंदिर, ये ऊपर से नाला आता है, यहाँ संगम होता है गंगा जी के साथ। पूरा व्यू ऊपर से धराली गांव, बहुत सुंदर विलेज, छोटे छोटे देखो गांव मकान, मस्त सुंदर लग रहे हैं। ये नीचे माँ गंगा जी, भागीरथी गंगा के साथ जालंधर नदी का संगम देखते ऊपर से साफ दिख रहा है। ये जालंधर नदी, ये भागीरथी, और यहाँ वृंदा का संगम भागीरथी के साथ त्रिवेणी संगम, सब साफ दिख रहा है अब यहाँ से ऊपर से। ये देखिए ये वृंदा का संगम, ऊपर से आती है वृंदा जो मैंने यहाँ से दिखाया। गंगा जी ने वृंदा जालंधर मिल के भागीरथी गंगा हो जा रहे, गंगा स्वरूप हो जा रहे हैं। ये संगम और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो ऊपर से मानस चित्र, यहाँ रात्रि के थे इसी रूम में
दोनों संगम मैंने ऊपर से दिखा दिया, त्रिवेणी, जालंधर, वृंदा और माँ भागीरथी गंगा, तीनों संगम। ये जालंधर का भागीरथी गंगा, मैं गंगनानी ब्रिज पे खड़ा हूँ। गंगा नदी पर ये बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। गंगनानी माता वहाँ पर मैंने दर्शन करके तप्त कुंड में, ऋषि कुंड में स्नान करके मैं अब आगे यात्रा, पैदल यात्रा में निकल पड़ा। मेरे पीछे माँ गंगा बह रही है। उत्तर काशी से गंगोत्री कभी भी जाए तो गंगनानी में ज़रूर रुके, गर्म पानी में कुंड जो है, ऋषि कुंड जिसको बोलते हैं, वहाँ स्नान करें और गंगा नहानी माता में का दर्शन करें। सब यात्री वहाँ रुकते हैं, अद्भुत जगह है। तो यहाँ गंगा जी के दर्शन भी कितने सुंदर हो रहे हैं। जय हिमालय, जय देवभूमि, जय गंगा नहानी माँ। स्वागत, नमस्कार। गंगोत्री से उत्तरकाशी की मेरी पैदल यात्रा चालू है। अब मैं उत्तरकाशी से 18-20 किलोमीटर पहले सेंच गांव है, वहाँ पायलट बाबा का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ आज मैं रुका हूँ। क्योंकि अभी बारिश चालू हो गई 3-4, 3:30 बजे से। अभी मैं पायलट बाबा आश्रम के गंगा घाट पे खड़ा हूँ। बहुत भयानक वेग से माँ भागीरथी गंगा बह रही है, देखो ऊपर गांव बसे हुए हैं, आगे लाटा गांव है। बिल्कुल रोड के किनारे आश्रम है। बिल्कुल गंगा किनारे ही मेरा रूम है। रूम में से माँ गंगा जी साफ दिखती है, खूबसूरत नज़ारा। पायलट बाबा आश्रम में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, एक से एक मूर्तियाँ आपको यहाँ मिलेगी। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। शिव जी की एक बहुत विशाल मूर्ति भी है, वो बाद में दिखाऊंगा। अभी खूब बारिश हो रही है, यहाँ भयंकर बारिश हो रही है।
पूरा हॉल है मूर्तियों से भरा हुआ है। राम दरबार नीचे भी और भी मूर्तियां हैं। कलात्मक सब मूर्तियां हैं। बहुत सारी मूर्तियां हैं और भी हैं, पर अभी बारिश के कारण मैं सब नहीं दिखा पा रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश पायलट बाबा है। पुराने चित्र पायलट बाबा को दुर्लभ चित्र पायलट बाबा को साधु बनने के बाद के चित्र बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ। भगवान नारायण का मंदिर और भी मूर्तियां वारा भगवान सिंह प्रहलाद जी
प्रहलाद को गोद में लिए हनु सिंह हुआ। बड़े राम दरबार बहुत बड़ी प्रतिमा है शिव जी की। तेज बारिश हो रही है अभी। गंगोत्री से उत्तर काशी चलते चलते हर्षिल से आगे मैं निकल गया हूँ और रास्ते में खूबसूरत पहाड़ी गांव आ रहे देखे। सुहावना मौसम है, बारिश का हल्की हल्की बूंदाबांदी कभी कभी होती रहती है। गंगा के तट पर बसे छोटे छोटे पहाड़ी गांव, छोटे छोटे मंदिर देखे। इतना खूबसूरत लग रहा है जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी हरियाली छाई हुई। ये मेन रोड है, ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे ऊंचे घर बना रखे हैं। पूरे बादल छाए हुए देखो, धुआं धुआं धुआं। इस वक्त उत्तरकाशी रोड पे हूँ, गंगोत्री से उत्तरकाशी रोड पे, और बड़ी बारिश हुई रात भर। आज सुबह से बारिश थी, गंगा जी उफान पे है। तेज बहाव है, पर एक झरना देखो, यहाँ संगम है गंगा जी के यहाँ। खूबसूरत हाल, अरे वाह, देखते ही बनता है ये जल राशि, वाइट वाइट धवल धवल जल राशि जो गिर रही है। आगे जाके ये गंगा जी में मिल जाती है ये जल राशि। अभी धूप थोड़ी थोड़ी खिली है, सुबह से बारिश थी, 12 बजे 11:30 बजे रुकी। मनेरी डैम में पहुंच चुका हूं, उत्तरकाशी रोड पे मनेरी गांव।
ये डैम है, मलेरिया एक और दो डैम है, एक उत्तरकाशी में है, ये बड़ा डैम है मनेरी डैम, मनेरी बांध। गंगा जी है, बारिश रुकी हुई है, जगह जगह भूस्खलन हुआ है, बहुत सारे लोग भी मर गए हैं इस भूस्खलन में, लेकिन अभी मौसम ठीक है। जल्दी जल्दी हमको उत्तरकाशी मन गंगोरी लक्षेश्वर पहुंचना है, बारिश का कोई भरोसा नहीं। अभी भी यहाँ बॉम्बे का फैशन और उत्तराखंड का मौसम कभी भी बदल जाता है, ऐसी कहावत। मनेरी डैम से थोड़ा ही आगे खेड़ी वाटरफॉल है, ये देखिए, और ये पूरा फोर्स है विपुल जल राशि लेके गंगा जी में समाहित हो जाता है। थोड़ा ही दूर है ये, आगे मनेरी डैम है, वो भयंकर वेग से गंगा जी यहाँ बहती है, और खेड़ी वाटरफॉल वो भी बहुत जोर से आता है यहाँ, ये देख। पूरा पहाड़ के अंदर से ही आता है पानी, पूरा फोर्स से आता है। तो भयानक वेग से गंगा जी में ये मिल जाता है पानी, फिर आगे और तेज बहाव हो जाता है गंगा जी, ये देख। जबरदस्त बहाव है,